बहुत से लोग हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती लेकिन सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हैं, तो वो कंपनी को ही पता होता है कि ये बंदे को कहाँ पे लगाना है। अगर आपको इंग्लिश आपकी स्ट्रांग नहीं है तो वो लोग आपको ऐसी जगह लगा देंगे जहाँ इंग्लिश आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो उन सभी भाइयों के लिए मैं बना रहा हूँ जो दुबई में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करना चाहते हैं। सिक्योरिटी गार्ड में मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है सिक्योरिटी गार्ड का, बहुत सिक्योर, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से सिक्योरिटी गार्ड की जॉब आप लोग दुबई में पा सकते हैं आसानी से। बहुत से लोगों ने कमेंट्स में पूछा भी था कि भाई एक प्रॉपर वीडियो बना दीजिए सिक्योरिटी गार्ड की जॉब से रिलेटेड, कि दुबई में किस तरह सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए अप्लाई करा जाए और क्या क्या सर्टिफिकेट वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं, क्या बिना सर्टिफिकेट के भी जॉब सिक्योरिटी गार्ड की मिल सकती है, ये भी क्वेश्चन था लोगों का। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, अगर आप दुबई में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करना चाहते हैं तो आपको सिरा सर्टिफिकेट तो कंपलसरी है। और ये सिरा सर्टिफिकेट किस तरह मिलेगा, कितना पैसा आपको लगेगा इसके लिए, वो भी मैं बताता हूँ। लेकिन बहुत सी कंपनियाँ यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की, क्योंकि रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है सिक्योरिटी गार्ड में, तो बहुत सी कंपनियाँ बिना सिरा सर्टिफिकेट के भी अपॉइंट कर ले रही हैं, आपको जॉब दे दे रही हैं। बहुत से लोगों के पास सिरा सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन उनको पर्सनल वो लोग ट्रेनिंग देकर अपने यहाँ पर ही जॉब प्रोवाइड करा देते हैं, तो लेकिन उसमें ग्रोथ नहीं है। तो आप लोग जितने लोग भी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने का प्लान कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट है सिरा सर्टिफिकेट। बहुत से लोग जो ऑलरेडी दुबई में हैं, छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं पैकिंग की, हेल्पर की, तो दोस्तों आप लोग ये जॉब छोड़ दो। जो लोग दुबई में हैं और पैकिंग हेल्पर की जॉब कर रहे हैं, वो जॉब तुरंत छोड़ दो दोस्तों, क्योंकि इसमें ग्रोथ नहीं है। आप जब तक आप मेहनत कर रहे हो तब तक वो जॉब आपके साथ है, आप हटोगे सेम चीज़ दूसरा आदमी करने के लिए तैयार है, तो इसमें वैल्यू नहीं है, ग्रोथ नहीं है, सैलरी कभी नहीं बढ़ती, सैलरी कम होती जाती है, बढ़ती नहीं है। तो ऐसा काम तुरंत छोड़ें आप लोग, सिरा सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करें। जो लोग दुबई में हैं, 1600-1700 दिरहम में आपको सिरा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जब आपके पास सिरा सर्टिफिकेट होगा किसी भी सिक्योरिटी कंपनी में आप जाओ, 100% आपको जॉब मिलेगी, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। सिरा सर्टिफिकेट है, 100% एक हफ्ते में आपको सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिलेगी। तो जो लोग दुबई में हैं और जो लोग दुबई के बाहर अपनी कंट्री में हैं, वो लोग अपनी कंट्री से भी सिरा सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से इंस्टीट्यूट हैं वो लोग बहुत सस्ते में सिरा सर्टिफिकेट दे देते हैं। दुबई में अमन सिक्योरिटी ट्रेनिंग एक इंस्टीट्यूट है जो सिरा सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता है, और इसमें 1600 से 1700 दिरहम लगता है दोस्तों। तो 1600-1700 दिरहम में आप लोग सिरा सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करें। इसमें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, सिक्योरिटी गार्ड्स के क्या लॉज होते हैं, क्या रूल होते हैं, वो आपको सिखाए जाएंगे, और कुछ फिजिकल ट्रेनिंग होगी, दौड़ाया जाएगा, वो सब आप लोग आसानी से क्लियर कर सकते हो। 100% आदमी पास हो जाता है, सिरा सर्टिफिकेट उसके हाथ में आ जाता है। 4 दिन की ट्रेनिंग, फिर उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में आप पास होते हो, आपको सिरा सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ जाएगा। अब सिरा सर्टिफिकेट जिसको मिल गया, किसी भी कंपनी में चले जाओ दोस्तों। दुबई में बहुत सी कंपनियां हैं सिक्योरिटी गार्ड की, मैं काउंट करा दूंगा आपको। जैसे ट्रांसगार्ड, इसमें आप जाओगे, वो लोग तो हायरिंग के लिए कैंडिडेट को ढूंढ रहे हैं कि कोई प्रॉपर मिल जाए, हम लोग अपने यहाँ रखें, इतनी रिक्वायरमेंट है ट्रांसगार्ड में। सिक्योरिटी गार्ड, फर्स्ट सिक्योरिटी हो गई, वर्ल्ड सिक्योरिटी हो गई, हॉक हो गया, बहुत सी सिक्योरिटी कंपनियां हैं। तो सिरा सर्टिफिकेट आपके पास है, आप लोग जाइए, आसानी से जॉब सिक्योरिटी की मिल जाएगी। सैलरी इसमें 1800 दिरहम बहुत ही कम लेवल पे है, नहीं तो 2200 से ही स्टार्टिंग होती है। तो 2200 से स्टार्टिंग है, इसके बाद आप दूसरी कोई सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करें तो इसमें ग्रोथ है, आप आगे बढ़ सकते हो, सैलरी भी अच्छी है और इज्जत वाला काम भी है दोस्तों। तो जितने भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं,
और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि दुबई में क्या करें, कोई पर्पज़ ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं सेट है, उनको प्लान ही उनका नहीं बन पा रहा है कि यार करेंगे क्या। तो भाई सिरा सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दो आप लोग, 1600-1700 दिरहम का है, आप लोग ले लो, और जो जॉब कर रहे हो हेल्पर की पैकिंग की छोड़ दो, और सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई करो। बहुत सी कंपनियां हैं, 100% जॉब मिलेगी आपको। तो ये मेरा उन सभी लोगों के लिए जो दुबई में है, सिरा सर्टिफिकेट वो लोग अमन सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेंटर से पा सकते हैं आप लोग। मैं अभी एड्रेस भी दे दे रहा हूँ, डिटेल भी अपने वीडियो में नीचे दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए, वीडियो में डिटेल है। तो यहाँ पर आप लोग गूगल पर सर्च करें, कॉल करें, फीस पता करें और जाकर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करें, जो लोग इंटरेस्टेड हो। जो नहीं इंटरेस्टेड हैं तो उनकी बात ही अलग है। और जो लोग दुबई के बाहर हैं, आप लोग अपने एरिया में सर्च करो गूगल पर, सब अवेलेबल होता है दोस्तों ऑनलाइन, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग दी जा रही है। आप लोग जाएँ वहाँ पर अप्लाई करें, वो लोग आपको जब सिरा सर्टिफिकेट दे दें तब आप दुबई इजिली आओ, आपको आसानी से यहाँ पर जॉब मिल जाएगी। तो सिरा सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है दुबई में जॉब के लिए। अच्छी अच्छी अगर आप ग्रोथ चाहते हो अपने लाइफ में कि आगे बढ़ सकते हैं, एक कंपनी आपने छोड़ा, आपको एक कंपनी का एक्सपीरियंस हो गया, दूसरी कंपनी में जाओगे तो आपके कुछ ना कुछ बढ़ के ही मिलेगा, तो सैलरी आपकी बढ़ती जाएगी। तो बहुत से लोगों को जॉब मिल रही है और इस फील्ड में बहुत ज़्यादा वैकेंसी है सिक्योरिटी गार्ड में। तो आप लोग देरी मत करें, जितनी जल्दी हो सकता हो आप लोग जो लोग दुबई में हैं पैसे इकट्ठा करें, सिरा सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करें, सिरा सर्टिफिकेट लें और आसानी से जॉब करें। इंटरव्यू का सीन ये है दोस्तों, सिरा सर्टिफिकेट आपको मिल गया, उसके बाद इंटरव्यू में मेन चीज़ जो है सिक्योरिटी गार्ड की, वो है कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस चेक करा जाएगा और कुछ नहीं है। एक फेमस जो क्वेश्चन है जो हर इंटरव्यूअर पूछता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो ये टेल मी अबाउट योर सेल्फ अपने हिसाब से आप सर्च कर लो, गूगल पर ही सर्च कर लो आप लोग कि इसका आंसर क्या होगा, वो आंसर आप याद याद कर लो। ये चीज़ ज़रूर पूछेगा, अगर वो आपने टेल मी अबाउट योर सेल्फ में प्रॉपर कॉन्फिडेंस से सारी चीज़ें अपने एक्सप्लेन कर दिया उसको, तो बस आपका वहीं पे सिलेक्शन हो गया, आगे वो ज़्यादा कुछ नहीं पूछते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही देखा जाता है सिक्योरिटी गार्ड में। अगर आप बोल सकते हो, आप समझा सकते हो, तो आपको हायरिंग 100% कर लेता है इंटरव्यूअर, क्योंकि आप किसी भी बड़ी बिल्डिंग में हो, कहीं पर हो, कुछ इमरजेंसी हो जाती है तो आपको ही आगे होना है, आपको ही हेल्प के लिए बुलाया जाएगा। तो इसलिए कॉन्फिडेंस मेन है। तो कॉन्फिडेंस के साथ आप इंटरव्यूअर के सामने बैठें, उसको अपनी जो भी वो पूछ रहा हो उसको बताएं। ज़रूरी नहीं है कि आप 100% इंग्लिश ही बोलें। यहाँ पर इंटरव्यू जो सिक्योरिटी गार्ड में लेते हैं, बहुत से इंडियन होते हैं, पाकिस्तानी होते हैं, ज़्यादातर इंडियन पाकिस्तानी आपको इंटरव्यूअर मिलेंगे सिक्योरिटी गार्ड में। तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ में आपने थोड़ा रट लिया है इंग्लिश में, आप बता सकते हो माय नेम इज़ दिस दिस, जो भी आपको ईजी मेथड लगे, जो भी आपको लगे कि मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ। कुछ नया आप उसमें ऐड न मत करो, जितना आप कॉन्फिडेंस से बोल सकते हो उतनी चीज़ें याद कर लो, वो बता दो, उसके बाद इंटरव्यूअर भी समझ जाएगा कि ये बंदा ठीक है, क्योंकि फ्रेशर ही आप अप्लाई कर रहे हो ना, फ्रेशर की एक एक बजट होता है, एक सैलरी का एक स्टेटस होता है, उसके लिए बहुत है। अगर आप कोई एक्सपीरियंस के लिए अप्लाई करोगे तो आपको प्रॉपर इंग्लिश चाहिए होगी उसके लिए, लेकिन फ्रेशर की मैं बात कर रहा हूँ। सिरा में सैलरी बहुत छोटे लेवल की है, ज़्यादा बड़ी सैलरी नहीं है, तो ज़्यादा कुछ चेक नहीं किया जाता इसके, इसकी आप लोग टेंशन मत लीजिए। छोटा सा सवाल जवाब होगा, आप लोग आंसर दे दो। बहुत से लोग हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती लेकिन सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हैं, तो वो कंपनी को ही पता होता है कि ये बंदे को कहाँ पे लगाना है। अगर आपको इंग्लिश आपकी स्ट्रांग नहीं है तो वो लोग आपको ऐसी जगह लगा देंगे जहाँ इंग्लिश आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मेरा कहने का टोटल मतलब ये है दोस्तों कि आपको जॉब सिक्योरिटी गार्ड में आसानी से मिल जाती है, बस सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, आप चाहे अपने अपनी कंट्री से लेके आओ या आप यहाँ पर हो तो यहाँ पर आप ले लो, उसके बाद आप जब
जब किसी भी कंपनी में अप्लाई करोगे सिक्योरिटी गार्ड की, आपको 100% जॉब मिल जाएगी।